पूरी रू सबसे पहले बात करेंगे। नारायणपुर में बीजेपी नेता की हत्या का मामला सामने आया। नक्सलियों ने बीजेपी नेता की हत्या की। पंचम दास मानिकपुरी की गला रेतकर हत्या का मामला है। जिले के दंडबन गांव में हत्या की गई है। लोकसभा चुनाव से पहले नक्सलियों ने बीजेपी नेता को मौत के घाट उतार दिया। डीआरजीआईटी बीपी के जवान सर्चिंग के साथ ही मौके के लिए रवाना हो चुके हैं और ये एक बार फिर से बड़ी वारदात को अंजाम दिया है नक्सलियों ने। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां बीजेपी नेता की हत्या की गई है। नारायणपुर में बीजेपी नेता की हत्या का मामला, नक्सलियों ने बीजेपी नेता की हत्या। पंचम दास मानिकपुरी इनका नाम है, गला रेतकर हत्या कर दी गई। जिले के दंडबन गांव में यह हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। लोकसभा चुनाव से पहले नक्सलियों ने बीजेपी नेता की हत्या की। तो डीआरजी आईटीबीपी के जवान सर्चिंग के साथ ही मौके के लिए रवाना हो चुके हैं। एक चौंकाने वाला घटनाक्रम एक बार फिर से, जैसा कि आप सभी को मालूम है, नक्सली जाहिर सी बातें बौखलाए हुए हैं, क्योंकि हाल ही में एक बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की गई है इनके खिलाफ और उसमें 29 नक्सलियों को मार गिराया गया है। शव भी बरामद कर लिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक बड़ी खीज नक्सलियों की, और यही कारण है कि बीजेपी नेता की हत्या की गई है। बहुत ही निर्मम तरीके से गले रेत कर पंचम दास मानिकपुरी की हत्या की गई है। संवाददाता विवेक जुड़ गए हैं। अब विवेक, चौंकाने वाला पूरा मामला, बीजेपी नेता की हत्या की गई है, नक्सलियों ने इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। जी हाँ, जिस तरीके से अब लोकसभा चुनाव करीब है और सामने में 2 दिन बाद लोकसभा चुनाव होना है, तो नक्सली लगातार वारदात कर रहे हैं। जिस तरीके से नक्सलियों के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक चल रही है, कल जिस तरीके से सांकेर में 29 नक्सलियों पर हमला किया गया, तो नक्सली लगातार बौखलाए हुए हैं और वो लोगों की हत्या करके दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और नारायणपुर में ये लगातार भाजपा नेताओं की हत्या नक्सली लगातार कर रहे हैं। अभी मौके पर पुलिस बल रवाना हुई है और ये उनके वापस आने के बाद ही पूरे मामले का खुलासा हुआ कि आखिर क्या वजह थी जो नक्सलियों ने भाजपा नेता जो उप सरपंच है उसकी हत्या की है। जी बिल्कुल, क्या कोई शक था, क्योंकि ज्यादातर हमने देखा है किसी भी ग्रामीण की या किसी भी नेता की हत्या एक रंजेश और या फिर यूं कह सकते हैं कि मुखबिरी के शक में भी, ऐसा कोई मामला था क्या? देखिए, जिस तरीके से क्षेत्र में लगातार विकास हो रहा है और सरपंच और उप सरपंच जो गांव के मुखिया होते हैं वो गांव में विकास को बढ़ावा देते हैं और नक्सली हमेशा विकास विरोधी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ये विकास को लेकर नक्सलियों ने उनकी हत्या की होगी, क्योंकि क्षेत्र में विकास के लिए जो विकास कार्य होते हैं तो उसके लिए अधिकारी और सुरक्षा बल के जवान आते और जाते रहते हैं, जिसके साथ में सरपंच उप सरपंचों की मुलाकात होती है। तो हालांकि पहले भी ऐसी घटनाएं हैं अभिषेक, जब हमने देखा है कि जो नेता छोटे नेता होते हैं उनके ऊपर भी हमला होता है, और सबसे बड़ी बात यह कि विकास में बाधा बनना ये लगातार देखा गया है। और एक बार फिर से जो घटना को अंजाम दिया गया, चौंकाने वाली बात है क्योंकि हाल ही में एक बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक है और इससे ये संदेश दे दिया गया है नक्सलियों को कि किसी भी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा। एक तरीके से ये भी समझे क्या खीज है, इस वजह से भी इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। जी हाँ, जिस तरीके से नक्सली हमेशा लगातार विकास का विरोध करते रहे और कल जिस कल कांकेर में जिस तरीके से बड़ा बड़ी सफलता पुलिस सुरक्षा बलों को मिली है और इससे पहले नारायणपुर में मिली है। शुक्रिया, यानी कि लगातार नक्सलियों के खात्मे की तरफ जिस तरीके से जवान काम कर रहे हैं, खात्मे की ओर नक्सली हैं और उसके बाद ये एक बड़ी घटना देखने को मिल रही है। हालांकि मुंहतोड़ जवाब देने की भरपूर कोशिश जवानों की लगी हुई है। बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे कांकेर से हम खबर की, जहां देर रात नक्सलियों का शव लाया गया है। नक्सलियों के 29 शवों का पंचनामा हुआ।